दिल्ली से करीब 1100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का कराची शहर, जहां छिपा बैठा है दुनिया का मोस्ट वांटेड अपराधी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। दाऊद पाकिस्तान में ही है और इसके पुख्ता सबूत भी हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं। दहशतगर्दों को पालने वाला आतंकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंच पर कई बार अपनी फजीहत करा चुका है। दुनिया के रहमो करम पर पलने वाला, खुद को डॉन कहने वाला दाऊद जिस बिल में छिपकर बैठा है, उसका ठिकाना देश और विदेश की हर जांच एजेंसी को पता है। 1993 के मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम, जिसे अमेरिका ने भी मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित कर रखा है। मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद भारत से भाग गया था और कराची में एक आलीशान बंगले में जाकर बड़े ही शानो शौकत से रह रहा है। भारत ने कई बार इसके सबूत भी दिए हैं, लेकिन जब भी दाऊद को लेकर खुलासे की बात आती है, पाकिस्तान के हुक्मरान इस बात से हमेशा नकारते रहे हैं कि दाऊद को उसने पनाह दे रखी है। और एक बार फिर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के पाकिस्तान में होने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन किया गया। इस महासभा में दुनिया के 195 देशों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। इस बैठक में शरीक होने के लिए पाकिस्तानी डेलीगेशन भी दिल्ली पहुंचा था। इंटरपोल के कार्यक्रम में पाकिस्तान के इस डेलीगेशन से जब पूछा गया कि क्या वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और लश्कर ए तैयबा चीफ हाफिज सईद को भारत को सौंप देंगे, तो इस सवाल पर पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई। पाकिस्तानी अफसरों के मुंह पर मानो ताला लग गया हो। दाऊद को इंडिया को सौंपे जाने के सवालों पर भी पाकिस्तान के एफआईए के चीफ मोहसिन बट ने जवाब देने से इनकार कर दिया। दाऊद इब्राहिम, जो एक दौर में भारत में रहकर ही अपनी गुनाह की सल्तनत चलाता था, जिसका कभी मुंबई पर राज हुआ करता था, मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम इंडिया से भाग गया। दुबई में बैठकर ही वो मुंबई पर राज करता रहा। माया नगरी से लेकर गुनाहों की दुनिया का वो बेताज बादशाह बन बैठा। लेकिन करीब 28 साल से पाकिस्तान में भाड़े की मांद में मुंह छिपाए बैठा है दाऊद इब्राहिम। हालांकि दाऊद के राइट हैंड माने जाने वाले छोटा शकील पर मुंबई पुलिस शिकंजा कस चुकी है। दाऊद का एक एक गुर्गा काल कोठरी में सजा काट रहा है। बस अब बारी है तो दाऊद इब्राहिम की, जिसको लेकर भारत की तरफ से एक्शन होना तय है।